हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वो बताऊंगा, फास्ट एंड क्विक और वेरी इजी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली को ओपन कर लेना है। अपने कंपनी को ओपन करके गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लीजिए। देन आपको सिंपली क्या करना है, बी प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, बी बी ऐसे ही प्रेस करेंगे, आपके पास बैलेंस शीट का विंडो अपीयर हो जाएगा। या फिर आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन होता है बैलेंस शीट का, आप वहाँ पर जाकर इंटर भी बटन प्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट इनेबल हो गया, आपका ओपन हो गया। देन आपको क्या करना है, अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो आपके पास डिटेल्स व्यू आएगा, जिसमें आप हर एक हेड के सेक्शंस के अंदर क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल है वो आप चेक कर सकते हैं। देन सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में जो डिटेल्स होते हैं वो लाइबिलिटी एंड कैपिटल्स के डिटेल्स होते हैं। देन राइट साइड में जो डिटेल्स होते हैं वो आपके एसेट्स के डिटेल्स होते हैं। लाइबिलिटीज के डिटेल्स में आपको कैपिटल अकाउंट मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप के करंट लाइबिलिटीज और फिक्स्ड लाइबिलिटीज मिलेंगे। करंट लाइबिलिटीज मीन्स वो लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर कर देते हैं, और फिक्स्ड लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट आप मोर देन 1 ईयर में करते हैं। उसको हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी बोलते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं। देन हम बात करेंगे एसेट्स की। तो दो टाइप के आपके पास एसेट होते हैं, एक को बोलते हैं करंट एसेट, दूसरे को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप जनरली बिजनेस में यूज करने के लिए परचेस करते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए परचेस करते हैं, ना कि सेल करने के लिए आप उसको परचेस करते हैं, जिसका ड्यूरेशन टाइम जो होता है वो आपका लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में एक्वायर किया जाता है, ना कि उसको क्विकली कन्वर्ट करने के लिए कैश में। जैसा कि करंट एसेट मैंने आपको बोला कि हम विद इन 1 ईयर इसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स का वो प्रॉपर्टीज नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट्स जनरली बिजनेस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए परचेज किए जाते हैं, जिनका यूज लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में किया जाता है। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट होता है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका लाइबिलिटीज और एसेट्स बिजनेस में कितना है। देन आपका लाइबिलिटीज और एसेट्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा होगा और कैसा चल रहा है। इसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको किस किस एरियाज में अभी पेमेंट करना बाकी है, आपके पास क्या क्या एसेट अवेलेबल है, आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास स्टॉक का बैलेंस कितना है। देन आपके पास डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने अवेलेबल हैं, इट मीन्स कि आपको कितना पैसा कस्टमर से लेना बाकी है और कितना पैसा सप्लायर को देना बाकी है। ये सारे डिटेल्स को आप इजीली यहाँ पर वन टाइम में सीन कर सकते हैं। देन मैं इसको बताऊंगा कैसे एक्सपोर्ट करूंगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, तो अल्ट प्लस ई बटन प्रेस करना है। अल्ट ई प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट का विंडो आएगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन आपको यूज करना पड़ता है। देन मैं क्या करूंगा, बैकस्पेस बटन प्रेस करूंगा। बैकस्पेस करने से आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट का, देन आपको एक्सेल सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको लोकेशन देना है। तो मैंने आपको बताया था कि लोकेशन में ड्राइव लेटर कोलोन देन बैकवर्ड स्लैश का यूज करना है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है और एंटर कर देना है। तो आपका ये जो बैलेंस शीट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा टैली से एक्सेल विंडो में। देन एक्सेल विंडो ऑटोमेटिक आपका स्विच करके ओपन करके दिखा देगा। तो ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल और अट्रैक्टिव बैलेंस शीट आप इजीली बना सकते हैं आपके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, जो आपको टैली रेडीमेड प्रोवाइड करता है। अदर सॉफ्टवेयर में अगर आप यूज करते हैं तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, देन टैली आपको क्विक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। सो आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें और उसका बैलेंस शीट बनाए, उसको आप एक्सपोर्ट करके देखें। तो इस तरह से वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा एक्सेल में, जो आप चेंजेस करने के लिए या कुछ भी इवैल्यूएशन करने के लिए आप रीयूज को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।